अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में जो भी फरमाया वो हुक्म है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हुक्म देखिए, ये अल्लाह ताला का कैसा है, और हमने अपनी सारी ज़िंदगियां जो हैं वो इस हुक्म को समझने में पता नहीं क्यों गुजार दें। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लोग, और ये जो लोग हैं, जब ये लोग, उन लोगों के बारे में भी और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, जब ये लोग तुम्हारे पास आएँ और मेरे से, अल्लाह से आएँ, किसके पास? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मांगें क्या? अल्लाह से मगफरत। मांगना अल्लाह से गए नबी के पास, कमाल हुक्म मेरे रब ने दिया। जब ये तुम्हारे पास आएँ, जब ये आपके पास आएँ और आपसे कहें कि अल्लाह से हमारी मगफरत मांगें, और अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी, अब अगला जुमला गौर कीजिए, अगर आप भी इनकी सिफारिश करें, हाय 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 हाय, मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह पाक के, वाह वाह वाह, और नबी आप भी अगर इनकी सिफारिश करें तो मैं इनकी मगफरत कबूल कर लूँगा, मैं इनकी दुआ को कबूल कर लूँगा। क्या तरीका बताया है मेरे रब ताला ने, मेरे रब का तरीका है ये कि मगफरत मांगनी रब से है लेकिन सिफारिश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलवानी है। ये समझने की बात नहीं है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह बाकी अहकामात हैं, इस हुक्म को भी ऐसे ही मानना है। पाकिस्तान में रहने वाले सारे मोहब्बत करने वाले लोग जब यहाँ आते हैं तो उनकी अकीदत और उनकी मोहब्बत के मजाज मुख्तलिफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप किस शहर से हैं? ज़िला रहीमयार खान से जी, गढ़ी अख्तियार खान से। आप वहाँ से आए हैं? जी 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 जी। अच्छा ये बताइए, आपको बुज़ुर्गों का तो एक अंदाज़ा है ना कि बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, बुज़ुर्ग दुआएं करते हैं, जी जी जी, तो यहाँ आने की खसूसियत थी या एक रूटीन में आ गए? नहीं, एक रूटीन में वहाँ पे, यहाँ पे आ गए जनाब। अच्छा। तो ये सुभान अल्लाह, अपनी रोज़ी भी है हमारी यहाँ पे, हम अपने इधर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हम जिप्स का काम करते हैं, डिकोर का यहाँ पे। जी जी जी। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा रकम जो है आपको पाकिस्तान में मिले तो चले जाओगे? नहीं जी। क्यों? इधर मदीना मुनव्वरा है जी, सुभान अल्लाह, इससे और क्या है, इधर दिल्ली की ज़ियारत नसीब हो जाती है। जब हमारे नसीब में होगा तो पाकिस्तान भी चले जाएंगे, हमारा अपना मुल्क है। यहाँ पे आके लोग कहते हैं अक्सर कि हमारे दिलों की जो हालत है, कैफियत जो है, वो बदल जाती है। बदलती है जी, बेशक बदल जाती है जनाब। यहाँ पे जब हम आते हैं यहाँ से रोज़ा रसूलुल्लाह पे, तो सुभान अल्लाह, जितनी भी परेशानियाँ होती हैं हम आप हर कोई भूल जाते हैं यहाँ पे आके ना, सरकार रोज़े पे आके भूल जाते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये माशाल्लाह ये जगह भी ऐसी है, ये देखें हमारे साथ बच्चे भी हैं माशाल्लाह, बहुत सारे खुश हैं, कभी इन्होंने याद भी नहीं किया पाकिस्तान में। अभी मेरी बच्ची बता रही है मुझे, पापा मुझे ले चलो ज़ियारत पे। बच्ची, तो ये इस उम्र की बच्ची? ये मेरी बच्ची ही ना, 8 साल की है। मामू से मेरे बहन ने बताया, भाई भी मेरा अभी आया है, तो मैंने इसको बोला कि मैं बच्चे लेके आ रहा हूँ, तो हम मेरी बच्ची को जाके ज़ियारत करा के लेके आ जाओ। सुभान अल्लाह, इससे और क्या है। अंदर बच्चे जो है वो ये कहना शुरू कर दे कि बाप बाप मुझे लेकर जाए ज़ियारत के लिए उस मुल्क में, बच्चों से। रात भी मेरी बच्ची मुझे बता रही थी, जी जी, रात भी मेरी बच्ची मुझे बता रही थी, पापा छोटे भैया को मैं साथ में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि लेडीज जो सा होता है ना, जहाँ वहाँ नहीं जाने देते, रश होता है बहुत ज़ियारत करने। तो मैंने वहाँ जाना है, तो मैंने वहाँ जाना है। मेरी बच्ची को आज से 10 दिन पहले तो इधर बुखार आया 103 पे, तो फिर भी ये मुझे बता रहे कि पापा मुझे ले चलो ज़ियारत पे। क्या बात है, आप भी यहाँ रहते हैं? जी मैं इधर ही रहता हूँ। कितने अरसे से? 6 साल हो गया। कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। यार यहाँ पे हम लोग तो चंद दिन के लिए आते हैं, हम तो 6 दिन के लिए आते हैं, ये जो दिल की हमारी हालत होती है ये बदल जाती है या बस इसी तरह मोहब्बत रहती है हर वक्त? हमारे यहाँ तो ऐसी, हमारे को काम बाहर मिलता है मदीना शरीफ से, लेकिन नहीं जाते, वही बड़े 2 दिन हमारे को यहाँ बैठना पड़े, हम इधर ही रहते हैं, लेकिन काम यही करें, काम इधर ही करेंगे, यहाँ ज़ियारत भी हो जाती है, दुआएं कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचते हैं उससे सोचने से पहले ही मिल जाता है। अल्लाह हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमारे बहन भाई यहाँ पर आते हैं, इनकी जो 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 अकीदत है उसके ऊपर किसी किस्म का सवाल नहीं उठाना, क्योंकि मोहब्बत के तकाज़े हैं। यकीन कीजिए, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि तकाज़ा मोहब्बत का कैसा होगा, लोगों को मोहब्बत का इजहार रसूल से कैसे करना चाहिए। जो दोस्त यहाँ पर आते हैं अपनी मोहब्बतों का इजहार कैसे करते हैं ये सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल मालिक है जी। अब्दुल मालिक कहाँ से आए हो? मैं कराची से आया हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम लारकाना। और कब आए हो यहाँ पे? यहाँ पे हम आए लास्ट फ्राइडे को। पहली दफ़ा? जी पहली मरतबा। एक बड़ी हसरत थी, क्योंकि मेरे दिन में ये था कि मक्का एंड मदीना आर द टू प्लेसेस, वेरी मस्ट प्लेसेस बिफोर यू डाई, मस्ट प्लेसेस टू विजिट बिफोर यू डाई। क्यों? तो मरने से पहले क्यों जाना है यहाँ? बस दुनिया में अगर सब इस धरती पे कोई सबसे बेहतरीन जगह है तो वो यही है।
हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने हमारी शफात करनी है, यकीन है? बिल्कुल यकीन है जी, अल्लाह यकीन है। मैं आपको एक सिंधी मियाँ का एक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का एक शेर सुनाता हूँ, उसका एक मिसरा बताता हूँ कि जेडो अल्लाह तेडो आसरो, जितना खुदा बड़ा है उसमें हमारा यकीन और ईमान उतना ही बड़ा है। और वो है। तो जितना आपका यकीन होता है आप उस वही उतना ही आप मुकम्मल आपका ईमान होता है। मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ और ये हदीस कुदसी है। अल्लाह कहता है कि जिस तरह मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हारी तरफ पलटूंगा। ऐसा ही है। जैसा गुमान तो गुमान बड़ा होगा तो खुदा भी बड़ा पलटेगा। इससे अगला जुमला अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तुम एक कदम आओगे मैं 10 कदम आऊँगा। ये जो अल्लाह का आपकी तरफ आना है ना, ये तो अल्लाह की रहमत है। यहाँ की कैफियत क्या मुख्तलिफ होती है, मक्के में क्या कैफियत होती है और मदीने में? नहीं, मक्के में भी, मक्के गया नहीं हूँ मैं डायरेक्टली, यहाँ पे ही आया हूँ मदीने में। क्या बात है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं कि पहले मुझे कम से कम 10 दिन यहाँ पे बिताने हैं। हाँ। उसके बाद फिर मैं मक्के जाऊँगा ताकि आने जाने में ज़्यादा टाइम सर्फ ना हो। जिस पर्पज़ के लिए मैं आया हूँ वो पर्सर और मेरा टाइम यहाँ पे गुजरे। हम जिस पहली दफ़ा ये रोज़ा जब देखा, गुंबद खिज़रा देखा, तो एक क्या था, अजीब सी कैफियत थी। एक बार नज़र आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट, दूसरे लम्हे आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब जब पहली मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी ना, जब इमाम साहब ने सूरह फातिहा की तलावत करी और जब वो मालिकी और मिद्दीन पे आए तो मेरी हिचकियाँ बन गईं, क्योंकि इतनी अरबी तो आती है कि वो क़यामत के रोज़ का मालिक है, मैं उसी की इबादत करता हूं और उसी से मदद की भीख मांगता हूं। जब ये आयतें आई तो मेरी मदद तो की भीख मांगता हूं, बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया। इया कनाबुद व इया कनस्तईन, तो कहता है कि मैं उसी की इबादत करता हूं, उसी की मदद मांगता हूं, मैं मदद की भीख मांग रहा हूं उससे, क्योंकि मेरा अमल नहीं है। एक छोटी सी है कि मुझे अपने अमल का तो आसरा ही नहीं है, आसरा है नबी की शफात का, अल्लाह के फजल का, बस दरवाज़ा वही है। अब इस नबी की शफात नहीं होगी तो अल्लाह का भी कोई फजल नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत है और नबी की इताअत है। खाली अल्लाह की इताअत तो यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। अगर मैं अपनी नबी का दरवाज़ा छोड़ दूँ, अगर मैं अपनी नबी का दरवाज़ा छोड़ दूँ तो फिर हर दरवाज़ा बंद है, अगर उसका दरवाज़ा पकड़ लिया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वाह वाह, ये जो मेरा नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त हम गुंबद खिज़रा के नीचे खड़े हैं और गुंबद खिज़रा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। बिल्कुल, बड़ा सुरूर है, बड़ा सूफ। यहाँ पे कैफियत ऐसी लगती है जैसे कि दुनिया में शायद कुछ और है ही नहीं, ना कोई हमारा रिश्ता है, ना ताल्लुक है, ना कोई फ़िक्र है, ना फाका है, कुछ नहीं है, बस एक अलग ही दुनिया है जिसकी कैफियत यहाँ पे तारी होती है। और यही वो निशानी है कबूलियत की, अल्लाह ताला दिलों के हालों को बदल देता है, बदल देता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है आराम, एक होता है सुकून। आराम आपकी जो मैटर, जो हमारी चीज़ें, जो जिस्मानी चीज़ें होती हैं जिसको हार्डवेयर कह लें, वो आपको आराम देती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें ये आपको सुकून देती हैं। यार क्या सुकून तकसीम किया है तुमने, सुकून, क्या बात है? सुकून अंदर के एहसास का नाम है। वा, 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 आराम, मुझे आरामदायक कुर्सी पे बिठा दें आराम आएगा, ज़रूरी नहीं है कि सुकून नहीं है। क्या बात, सुकून में जब इस ठंडे फर्श पे बैठता हूँ तो मुझे सुकून आता है, तपती धूप में बैठता हूँ तो सुकून आता है। क्या बात, तो सुकून इन जो मारूदी चीज़ें हैं उनसे ताल्लुक नहीं रखता। अपने बच्चे को भी लेकर आए हो? ये मेरे बेटे हैं अली जैन, इनका नाम है अली जैन, अली जैन मेरे बेटे का नाम है। अली भी और जैन भी? जी हाँ जी, खूबसूरत नाम। अच्छा, ये यहाँ पे औलाद को लाने की क्यों फिक्र होती है, हम क्यों चाहते हैं कि हमारी औलादों को भी यहाँ आना नसीब हो, हमें तो आना नसीब हो? क्योंकि देखिए उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा है एक तरीके से। हाँ। उनकी इब्तिदा ही जब आप सीधे रास्ते पे लगा देंगे ना तो आखिरत अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।